खाना आप घर पे ही खाते हैं? जी घर पे ही खाता हूँ, बाहर तो खा ही नहीं सकता हूँ, तबीयत खराब हो जाती है मेरी। खाना बनाना मुश्किल है मेरे लिए, अटेम्प्ट भी किया तो हमेशा ख़राब हो जाता है। आपको कौन से स्पोर्ट पसंद है? मुझे स्विमिंग, फिर मैंने वहाँ सीखी तो मुझे स्विमिंग का शौक है, और टेनिस को मैंने बरकरार रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं कमिश्नर हाउस में हूँ और हमारे साथ इस वक्त कमिश्नर मोहम्मद इकबाल मेमन साहब तशरीफ़ रखते हैं, आज इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इकबाल मेमन साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, अपने मसरूफियत से वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके आने का। आप कहाँ पैदा हुए, इब्तदाई तालीम? मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ और अब पिछले 25 साल से तो कराची में रह रहा हूँ, तो कराची आई टी हूँ मैं। अच्छा, सोचता कराची एड की तरह हूँ, मेरा बिहेवियर कराची एड की तरह है। तो ये है। और तो सीएसएस की तरफ आने का ख्याल कैसे आया आपको? मैंने सिविल इंजीनियरिंग की और ड्यूरिंग सर्विस, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही मेरे ये जहन में आया, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स काफ़ी ज़्यादा सिविल सर्विस में, तो यही ख्याल आया कि मुझे सिविल सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए। तो उसमें ज्वाइन की, जब मैं ज्वाइन कर ली मैंने तो बलूचिस्तान में, जब मैं पहले हमारी ट्रेनिंग होती है लाहौर में। कब ज्वाइन की थी आपने? ये 95 की बात है। तो उसके बाद फिर पोस्टिंग हो गई, इनिशियल पोस्टिंग मेरी, मुझे जो प्रोविंस मिला वो बलूचिस्तान मिला। वहाँ पर मेरी मेरा एक्सपोजर हुआ कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से। वहाँ पर UNDP जो एजेंसी थी रिस्पॉन्सिबल, जो काम करती थी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ, तो फिर मुझे शौक़ हुआ कि मैं इसको अपना थोड़ा सा तालीम इसमें ज़्यादा हासिल करूँ, ताकि मेरी इस कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से। तो मैंने MSc रूरल डेवलपमेंट में की। अच्छा। फिर जब थोड़ा सा और ज़्यादा सर्विस में आ गया, फिर मैं सिंध प्रोविंस में मेरी पोस्टिंग हो गई, तो मेरा फाइनेंस की तरफ ज़्यादा रुझान था, शौक था। तो मैंने इंग्लैंड में जाके स्कॉलरशिप मैंने ली वर्ल्ड बैंक की, और इंग्लैंड में इकोनॉमिक्स में मैंने मास्टर्स की यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स से। तो इस तरह से मेरी ये तालीम ये है। तो मेरी इंजीनियरिंग का भी बैकग्राउंड है, ट्रेंड एज इंजीनियर आल्सो, रूरल डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर आल्सो एज वेल एज इकोनॉमिस्ट, तो मुझे वो बड़ा फ़ायदा होता है। और सिंध का कल्चर तो यही है ना कि आप दूसरों की इज्जत करें और हम्बल हों, तो मेरा भी वही तरीका है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि लोगों को इसको अप्रोच करना मेरे लिए आसान है, और लोग मुझे भी अप्रोच आसानी से। कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही आपकी? तकरीबन 4-4.5 साल तो मैं बलूचिस्तान में इनिशियली रहा हूँ, फिर मैं सिंध प्रोविंस में रहा हूँ, फिर बीच में मैं फेडरल गवर्नमेंट चला गया था। तो इससे पहले मैं चेयरमैन एंटी करप्शन था, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमेटी था, मैं सेक्रेटरी रहा हूँ सर्विसेज में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, मिनॉरिटी अफेयर में, तो हेल्थ मैंने काम किया है, होम डिपार्टमेंट काम किया है, CM हाउस मैंने काम किया, गवर्नर हाउस मैंने काम किया, तो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स है उसका एक्सपोजर है। फैमिली है? जी बिल्कुल। खाना आप घर पे ही खाते हैं? जी घर पे ही खाता हूँ, बाहर तो खा ही नहीं सकता हूँ, तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी। क्योंकि जब हम आए हैं तो पता चला आप घर खाना खाने गए हैं। जी बिल्कुल। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप खाना घर पे खाते हैं। जी खाना बना भी लेते हैं या सिर्फ नहीं बना? तकरीबन मैं वैसे तो घर काम कर लेता हूँ, लेकिन देखिए खाना बनाना मुश्किल है मेरे लिए, अटेम्प्ट भी किया तो हमेशा ख़राब हो जाता है। लेकिन मैं छोटी मोटी चीज़ें बना ही लेता हूँ, जैसे आप चिकन कढ़ाई बना लें, चावल बना लें, तो ये कर लें। अच्छा, खाना पकाने का तो आपने बताया, ये बताइए खाने में पसंद क्या है आपको? मैं सादा आदमी हूँ, जो चीज़ मेरे आगे रखेंगे अल्लाह का शुक्र अदा करके मैं खा लेता हूँ। उसमें सब्जी से दाल खा रहे हैं या बिरयानी खा रहे हैं, मतलब जी हाँ मुझे सब पसंद है। आप मुझे जो भी देंगे, अगर उसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं तो मैं शौक से खा लूँ। मसाले कम खाते हैं? जी हाँ मसाले कम खाता हूँ। सही। और क्या क्या शौक है सर आपको? स्पोर्ट्स का मुझे खुद शौक है, शुरू से लेके। तो उस ज़माने में तो ये था ना, जब हम छोटे थे तो आप गली में खेलते थे, अब तो वो माहौल ही ख़त्म हो गया। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन मैंने जब कॉलेज में आया तो मैंने टेनिस खेलना शुरू की प्रॉपर क्लब में हैदराबाद में, और जब हम अकेडमी गए तो अकेडमी में तो सारी स्पोर्ट्स होती हैं। आपको तो कौन से स्पोर्ट पसंद है? मुझे स्विमिंग, फिर मैंने वहाँ सीखी तो मुझे स्विमिंग का शौक है, और टेनिस को मैंने बरकरार रखा,
और हॉर्स राइडिंग सीखी। अच्छा, हॉर्स राइडिंग बरसान में भी की दो चार दफ़ा, उसके बाद जो छोड़ी है तो अब मुझे कोई अपॉर्चुनिटी एक नज़र आ रही है यहाँ पर कराची में, इंशाल्लाह ताला उसको ज्वाइन करेंगे। सही। टेनिस को मैंने कंटिन्यू किया है। सही। और क्रिकेट जो अपना बचपन में जिस तरीके से खेलते थे उसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए मैंने वो भी एक एकेडमी ज्वाइन की है, मैं सीखता हूँ। अच्छा जी हाँ, रमज़ान में कुछ छोड़ा तो अब मुसलसल छोड़ा ही हुआ है लेकिन ये कि अब स्विमिंग भी दोबारा सीख रहा हूँ मैं, जो अब उसके उस बार छोड़ दी थी तो बंदा भूल जाता है, जब प्रैक्टिस नहीं करते कोई चीज़ तो भूल जाते हैं।